हर हर महादेव। दोस्तों, पहाड़ों के नीचे टेम्परेचर है 45-50 तक पहुंचने वाला है, पर महादेव की नगरी में अभी भी बर्फबारी हो रही है। मैं हूं सतोपन के रास्ते में और मेरे ठीक सामने है सहस्रधारा। यहां पर महादेव ने हमारा स्वागत किया हुआ है। इस खूबसूरत बर्फबारी से बहुत ही अद्भुत ये दृश्य हुआ है। दिन में सुबह जब हम निकले थे बहुत ही अच्छी धूप थी, और जैसे ही हम सहस्रधारा पहुँचे हैं यहाँ पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है। जहाँ शहरों में टेम्परेचर 50 के पास पहुँचने वाला है, लोग गर्मी से मर रहे हैं, वहीं महादेव की नगरी में, नारायण भगवान की इस भूमि में बर्फबारी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा अद्भुत। हर हर महादेव। दोस्तों, जहाँ चलना भी मुश्किल होता है, वहाँ इतनी बर्फबारी में मैं आपको ऐसे अद्भुत नज़ारे दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो, ये है स्वर्गारोहणी, सत्य के पथ की यात्रा, स्वर्ग की सीढ़ियों की यात्रा, और यहाँ पर बर्फबारी हो रही है। बहुत ही गजब का नज़ारा। सामने आप देख सकते हो, यह है सहस्रधारा। बहुत सारे झरने एक साथ में यहाँ पर आ रहे हैं, नीचे ग्लेशियर, नदियाँ और ये बर्फ़। दोस्तों मैं हूं अभी सहस्रधारा में और चलना वापस से शुरू कर दिया है। बर्फ़बारी रुक चुकी है, मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है, हल्के हल्के बादल हैं पर उम्मीद है कि खुल जाएगा। महादेव हैं, वो परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, तो इससे घबराना नहीं होता है। अगर महादेव पे पूरा भरोसा है तो कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए वो सिर्फ परीक्षा के लिए आती है, उसमें सफल होते ही हैं क्योंकि महादेव साथ में होते हैं। तो दोस्तों सहस्त्रधारा की दो पौराणिक मान्यताएं हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर 100 झरने एक साथ में गिरते हैं, और उसके बाद दूसरी मान्यता ये है कि महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे स्वर्ग की सीढ़ियों को ढूंढने के लिए, तो पांडवों के जो सबसे छोटे भाई थे नकुल, उन्होंने अपने प्राण लक्ष्मीवन में त्यागे, और उसके बाद द्रौपदी तो पहले ही त्याग चुकी थी माना गांव के पास में। और यहाँ पर सहस्त्रधारा में सहदेव ने अपने प्राणों की आहुति दी, और फिर यहाँ से आगे 3 पांडव भाई आगे की यात्रा उन्होंने चालू रखी। फिर आगे क्या हुआ, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा आप लोगों को सब कुछ बताता रहूँगा। ये है सहस्त्रधारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे झरने एक साथ में बह रहे हैं। ये देखिए पूरे झरने हैं यहाँ से लाइन से। हाँ, मैं पहुंचने वाला हूं चक्कर तीर्थ। अभी सहस्त्रधारा क्रॉस होने वाला है। बहुत सारे झरने वो पीछे से शुरू हुआ था सहस्त्रधारा और अभी तक चालू है। जैसे ही सहस्त्रधारा ख़त्म होगा बस उसके कुछ ही दूरी पे है चक्कर तीर्थ। और अभी आप देख सकते हो जो बर्फ़बारी यहाँ पर हुई थी वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा बर्फ़बारी यहाँ पर हुई है ताजी आप देख सकते हो। और जैसी बर्फ़बारी रुकी मौसम इतना सुहाना हो गया के आनंद आ गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक। बस कुछ ही घंटे के बाद पहुंचने वाले हैं चक्कर तीर्थ। आज का रात्रि विश्राम चक्कर तीर्थ में होगा, फिर चक्कर तीर्थ से मैं आपको अगले दिन लेके जाऊंगा सतोपंथताल, आपको दर्शन कराऊंगा उस रहस्यमय ताल के जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों स्नान करने के लिए आते हैं। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव, जय बद्रीनारायण, जय सतोपन नारायण। वीडियो पूरी देखिएगा, अभी आगे की जर्नी बाकी है। ये देखिए रास्ता, आप देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कितना ज़्यादा कठिन यहाँ पर है। इन बड़े बड़े बोल्डरों को पार करके हमको आगे बढ़ना है। पूरा एवलांच एरिया है और यहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता है कि कदम आगे बढ़ाना। इसके नीचे बर्फ़ होती है, पत्थर हैं, अगर थोड़ा भी पैर फिसला तो सीधा पत्थर पैर पर आके गिरेगा। ये देखिए कैसे पत्थर रुके हुए हैं यहाँ पर बर्फ़ के ऊपर। ये पूरा ग्लेशियर का एरिया है, आप देख सकते हो। सतोपंथताल स्वर्ग की सीढ़ियों के जो रास्ते में ये ग्लेशियर को क्रॉस करके आगे बढ़ना है। बहुत ही अद्भुत रहस्यमय ये हमारा यात्रा चल रही है स्वर्ग की सीढ़ियों की। उससे पहले आएगा सतोपंथताल, फिर आएगा चंद्रताल और सूर्यताल, फिर नारद कुंड और फिर आएगा विष्णु कुंड। और विष्णु कुंड से दर्शन होते हैं स्वर्ग की सीढ़ियों के। बहुत ही अद्भुत।